डॉक्टर राबिया के पास गया था तैमूर ये जानने के लिए कि जो कुछ भी मैंने उससे कहा है वो सच है या झूठ, और बने अंधे अपने भाई की मोहब्बत में। देख लिया आपने, आप भी हद करते हैं सुहेब। अगर आप इस काबिल होते ना तो मुझे तैमूर की चापलूसी करनी ही ना पड़ती। अगर आपने यहाँ आकर भी अपनी लाडली बेगम से ही बातें करनी थी ना तो वहीं रहते ना उसके पास, मुझे क्यों पागल बना रहे हैं? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था सोनिया कि तुम गुस्से में और भी हसीन हो जाती हो। मैं गुस्से में क्या हो जाती हूँ ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए बातों को बदले मत। अच्छा यार मैं आज बहुत थक गया हूँ। अभी से थक गया मेरे साथ, अभी तो सफर शुरू हुआ है, आगे बहुत लंबा रास्ता है। ए, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? किंजा का मीटर घूम गया है, मुझे बहुत जल्द वापस जाना होगा। अब ऐसा क्या कह दिया उस किंजा ने जो आपको फौरन वापस जाना है? और आप इतना परेशान क्यों हो गए? किंजा फलक को घर से निकाल रही है। क्या वाकई? मेरा मतलब है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है? यही तो मैं उसे समझा रहा था, मगर मसला ये कि किंजा जिस बात पर अड़ जाए ना उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता। आपके भाई हैं ना फलक के साथ, वो तो कुछ करेंगे ना, आखिर फलक बीवी है उसकी। यही बात तो मैंने किंजा से की, मगर मगर क्या पता नहीं क्या होने वाला है सोनिया। मामला सुलझते नजर नहीं आते। सुहेल आप तो मुझे अपने साथ रखेंगे ना, मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना किंजा आप ही के कहने पर? सोनिया ऐसा कभी सोचना भी मत, इस मुश्किल वक्त में तुम ही तो मेरी वाहिद खुशी हो, तुम्हें छोड़ने का तुम्हें तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुहेल अगर आपने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं मर जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? सुनिया ऐसी बातें नहीं करते। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम भाभी के पास जाओ और अपना जुर्म कबूल कर लो, माफी मांग लो उनसे, तो खुद को समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई वजाहत नहीं दे सकता तुम्हें किसी बारे में, बस कुछ वक्त चाहता हूं। क्या तमाशा है?
वक्त देखा है अभी? वक्त की रफ्तार ही को तो रोकना चाहती हूँ भाभी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू देखकर वक्त थम जाएगा? वक्त थमे या न थमे, आपका दिल तो नरम पड़ जाएगा। भूल है तुम्हारी। आपको पता खाला के घर आया करती थी? और हमेशा छिपके से मेरे हाथ में 500 या 1000 रुपए दे दिया करती थी। आपके देवे पैसों से ना मेरी बहुत सी जरूरियात पूरी होती थी। और मैंने हमेशा खुश होकर आपको बहुत सी दुआएं देनी। आप मेरी आइडियल थी भाभी। मैं हमेशा इंतजार करती थी कि आप नेक्स्ट टाइम घर कब आएंगी। और मेरे एहसानों का तुमने ये सिला दिया मुझे। तैमूर की नजर में मुझे मुजरिम बनाकर कठेरे में खड़ा कर दिया तुमने। खुदा गवाह भाभी, मैं नहीं जानती कि तैमूर कब डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। उसे यहाँ तक लाने में, उसे उकसाने में तो तुम्हारा ही हाथ है ना। अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करते हैं। मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर कोई एतबार नहीं। एक बात तय है, तुम अब यहां नहीं रह सकती। लेकिन भाभी, एक दो दिन रहने की इजाजत दे सकती हूँ मैं, तब तक कहीं और अपना रहने का इंतजाम कर लो। लेकिन एक बात मत भूलना, मेरे घर में अब तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं हो सकता। तुम जा सकती हो। आपकी मर्जी से मैं आई थी इस घर। मेरा तो दिल भी नहीं था, जबकि किसी को क्या पता कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिंदगी में एक खुशी मुझे मिलने वाली थी, वो भी जालिमों की नजर ने खा ली। जितना ये घर आपका है ना, मेरे शोहर का भी है। जब तक मैं तैमूर की बीवी हूं, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी।